आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जनरल कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये कच्चे कीमे के कबाब लाई हूँ जो इंतहाई मज़ेदार हैं। मैं आपको आज बताऊँगी कि ये कहाँ गलती करते हैं, ये क्यों सख्त हो जाते हैं, इनको कैसे नरम बनाना है, अंदर से जूसी बनाना है, और किस तरह इसको इतना सॉफ्ट और मज़ेदार बनाना है कि जो खाए वो अपना हाथ ना रोक पाए। बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी आपके लिए हाजिर है, तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, तकरीबन ये 3 पाव कीमा है। देखें, इसके अंदर मैंने चर्बी जो है वो ज़्यादा पिसवाई है। तकरीबन जो है इसका रेशो जो है 1 किलो में 800 ग्राम गोश्त हो तो 200 ग्राम चर्बी ज़रूरी है कोई भी कीमे के कबाब बनाने के लिए। ये मैंने 2 छोटी प्याज दरमियाने साइज़ की लेके उसको चॉप किया, और इसका पानी मैंने बहुत अच्छे तरीके से नचोड़ के निकाला है। और ये देखें, ये हरी मिर्ची हैं, ये रेड और ग्रीन दोनों हैं, इनको मैंने कूटा है। और ये हरा धनिया है, इसको भी मैंने काट लिया है। ये तो आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। ये है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसे मैंने कूट लिया है, और 1 टीस्पून पीस कुटी मिर्च। वैसे तो हरी मिर्च के स्पाइसेस बहुत तेज़ हैं, तो इसके साथ मैं डालूँगी इसमें इसको प्यारा सा कलर देने के लिए, जिससे ये काले काले जले हुए अजीब से ना लगें, इसके लिए हम डालेंगे ये 1/2 टीस्पून से कम जर्दे का रंग। और अगर आपके पास कचरी पाउडर मौजूद नहीं है तो ये 1/2 टीस्पून से भी कम खाने वाला सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दबा के मिक्सअप कर लेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। लाइक जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है उस तरह। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूला कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। आपके कीमे में चर्बी कम हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी यानी बिल्कुल सही मिकदार में है, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए ख़ास काम मैं ये करूँगी कि ये देखें, ये एक अंडा है, इसे मैंने फेंट लिया है, और अब हम इसको इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे, ताकि ये कबाब हमारे टूटे ना और ये जूसी जूसी रहे। इसको अंडा डालने का ये फ़ायदा होगा कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहेंगे और बहुत मज़े के होंगे। देखें, ये जो है तमाम मसाला मैरिनेट हो गया है। अब मैं इनके डायरेक्ट कबाब बना के तो इनको फ्रिज में रखूँगी नीचे, ताकि इनको थोड़ी सी देर सेट होने का टाइम मिले, और आधे घंटे के अंदर अंदर हम इनको तल लेंगे। और आप इन्हें कबाब बना के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अब हम इसके ना कबाब बना लेंगे। हम कीमा इस तरह से लेंगे, हमने इनको गोल मटोल नहीं बनाना कि लगे शामी कबाब हैं। ये थोड़े से कीमे के, कच्चे कीमे के कबाब, थोड़े थोड़े से ये शेप लेस ही खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा इस तरह लंबी शेप में दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको तमाम कबाब बना के दिखाती हूँ। रहमान रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये कबाब बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। रहमान रहीम। देखें, ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, हमने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पर बनाना है, क्योंकि हमने इसका ये कच्चा कीमा है तो इसको गलने में टाइम लगेगा। कम से कम 8 से 10 मिनट इसको लगने चाहिए पकने में, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है कीमा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन देखें 2 मिनट हो गए इनको पकते हुए। आराम से हम इनको पलट देंगे। अच्छा, इसके टूटने का किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, आप इजीली इसको पकाएं। लेकिन इसको पकाना जो है बहुत अच्छे तरीके से, कि ये दोनों तरफ से पके भी और अंदर तक जो कीमा है वो गल जाए, तो इसको टाइम लगेगा तकरीबन 8 से 10 मिनट, इसको याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन इन्हें 8 से 10 मिनट हो गए पकाते हुए, और अब ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इनको तमाम कबाबों को तल के तो डिशरहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरे कच्चे कीमे के कबाब ज़बरदस्त से मज़ेदार बन के रेडी हैं।
इसको आप बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएंगे। देखें अंदर से कितने जूसी बने हैं और ज़बरदस्त मज़ेदार। इसको एक मरतबा आप बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।